Hi friends, welcome to Tally Digital Class. दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ. दोस्तों आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. काफ़ी इम्पोर्टेंट सम है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है आपके लिए. मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ. काफ़ी टाइम से लगातार पिछले 2-3 साल से ही करीबन ये सम एग्ज़ाम में पूछा था आ रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी की. तो ये मैंने सोचा कि अगर आपके लिए इस वीडियो बना दूं तो काफ़ी अच्छा रहेगा. ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा देखिए दोस्तों. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए. और हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि अपने आपके दोस्त भी सीख सके. चलिए शुरू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम सेम फाइव कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 और सम नंबर हमारा 16 है. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक. सबसे पहले हमें यहाँ पर रकम दी हुई है, हम उसे पढ़ लेते हैं. एक वस्तु ए बी सी पसार माथी सी माथी पसार थाय छे. तैयार मालनो स्टॉक लई जवामां आवे छे. प्रक्रियानी विगतो नीचे प्रमाणे आपेली छे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट सा बना लेना है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दाखिला है सब दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है. सबसे पहले देख लीजिए सम नंबर 16, पेज नंबर 63. मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट. आपको विगत एकम रकम ऐसा आपको बना लेना है. ये खाता आपको बना लेना है. इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है. सबसे पहले दाखिल करेला एकम हो 10 एकम होना 250 लिखे, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है. प्रक्रिया ए का हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. प्रक्रिया ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. प्रक्रिया ए में हमें यहाँ पर दाखिल करेला एकम हो दिया हुआ नहीं है. तो दोस्तों ये प्रक्रिया एकम हो ये हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है. और इसके बाद हमें क्या बोला है, सामान्य बगाड़ दाखिल करेल एकम होना टका, मतलब 1.5% यहाँ पर हमें दिया हुआ है सामान्य बगाड़. ये सामान्य बगाड़ किस पे होता है, किस पे इसकी गणतरी होती है, तो दाखिल करेला एकमों पर. जब हमारा दाखिल करेला एकम नहीं है तो सामान्य बगाड़ भी हम इसको ढूंढ नहीं सकेंगे. जब दाखिल करेला एकम हमें मिल जाएंगे उसके बाद उसके 1.5% हम सामान्य बगाड़ निकालेंगे. दोस्तों ये मैंने पूरा सम किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर सब रकम दी हुई है. लेकिन दोस्तों अभी स्टार्टिंग में ये रकम नहीं है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हमें क्या कहा गया है, बगाड़नी उपज 100 रुपया. बगाड़नी उपज जो है हमारी वो कितनी है, 100 रुपये है. कितने एकम के लिए, 10 एकम के लिए, ठीक है. अब असामान्य बगाड़ना एकम हो 50, एकम डी पड़तर 50, कितने दिए एकम, 100 एकम दिए. तो ये हमें विगत यहाँ पर दी हुई है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 एकम और कितने रुपये, 50 रुपये. तो 100 × 50 तो इज इक्वल टू 500. इसके बाद हमें दूसरी रकम दी हुई है असामान्य वधराना एकम हो 100, एकम दी पड़थर 100. तो ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है. इसके बाद सामान्य उत्पादन एकम दी पड़थर, ये भी हमें दिया हुआ नहीं है. इसके बाद खरेखर उत्पादन दाखिल करेल एकम होना 97.5%. खरेखर उत्पादन हमारा कितना हुआ है, 97.5%. तो दोस्तों अब जो सम अब से बहुत ही आपको ध्यान रखना चाहिए अब से. तो हमारा उत्पादन कितना हुआ है, 97.5
5%। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रक्रिया बी खाद है, खरेखर हमारा उत्पादन कितना हुआ है 97.5%। तो देखिए यहाँ पर खरेखर उत्पादन हमारा कितना हुआ 97.5%, और सामान्य बगाड़ हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सामान्य बगाड़ हमें 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, 97.5 प्लस 1.5 तो इज इक्वल टू 99, अब 100 में कितना बचा, सिर्फ एक बचा, एक बचा, तो प्लस कर देंगे हम एक, तो टोटल हमारा कितना हो गया 100। ठीक है, तो अब एक जब बचा है, एक है, तब उसके एकम कितने हैं 100 एकम है, असामान्य बगाड़ के एकम कितने हैं 100। तो 100% पे कितने, एक ए 100 एकम, तो 100% है कितना। ठीक है, तो ये हम गुणा कर करेंगे 100 × 100/1, तो हमारा आंसर आएगा 10,000। ये हमें क्या मिला कि टोटल हमने जब स्टार्टिंग में दाखिल करेला एकम जो है वो हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, दाखिल करेला एकम कितना हुआ 10,000। अब इसकी गणना करते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर दाखिल करेला एकम हमें कितना दिया हुआ है, 10 एकम हो तब उसकी कीमत 250 है। तो 10 एकम जब है तब उसकी कीमत 250 है, तो ये 10,000 पे उसकी कीमत कितनी, तो 10,000 × 250/10, तो हमें ये 250,000 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें मिल गया, दाखिल करेला एकम हमें यहाँ पर मिल गया, कितना मिला 10,000। इसके बाद दाखिल करेला एकम पर हम किसकी गणना करते हैं, असामान्य बगाड़ की। तो असामान्य बगाड़ हमें 1.5 दिया हुआ है, देख लीजिए ये असामान्य बगाड़ 1.5 दिया हुआ है, तो 10,000 × 1.5 तो हमारा आंसर आएगा 1500 आपका आंसर आ जाएगा। और इसके एकम जो है वो कितने हो गए, 150 एकम हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देख लीजिए ये मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ये तीनों चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें क्या करना है, ये 97.5% सिर्फ हमने इतना ही लिखा था, ये 97.5% जो है उसको भी हमें इससे 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10,000 × 97.5% तो इज इक्वल टू 9750, ये हमारा आएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 250 है, तो 250 का 97.5% जब हम करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये तीनों तीन कीमत हमें यहाँ से मिल गई, तो टोटल इसका हुआ 4,94,000, और ये टोटल हमारा कितना हुआ 10,000। ठीक है, ये हमारा 10,000, ये दोनों मिल गया, ये दोनों हमने यहाँ से ढूंढ लिया। अब यही रकम को हम यहाँ पर लिख देंगे, एसी के जैसी है दी हुई है वैसी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें से अब यहाँ पर हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है प्रक्रिया ए मा असामान्य बगाड़ सामान्य बगाड़ना 66.2/3 जेटलो छे। तो हमने ये फिर भी यहाँ पर हिंट दी हुई है, फिर भी हमने यहाँ से इसको ढूंढ लिया। असामान्य बगाड़ जो है वो तो हमारा हो चुका, अब जो दूसरी हिंट हमें यहाँ पर दी हुई है, त्रणय प्रक्रिया में कारखाना परोक्ष खर्चा प्रत्यक्ष मजूरी 33.1% छे। क्या है दोस्तों, समझना है आपको, कारखाना परोक्ष खर्चा मजूरी 33.33% छे, 1/3 मतलब 33.33%, तो मजूरी 100 है और उसके 33.33%
कारखाना का परोक्ष खर्चा है। मजूरी 100 और कारखाना का परोक्ष खर्चा 33.33। तो देखिए मजूरी है जो वो 100% है और कारखाना का परोक्ष खर्चा जो है वो 33.33% है। तो टोटल मिला के हमारा 133.33% हुआ। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 494,000 आया था उसमें से हमें 250,000 को माइनस कर देना है। तो हमने माइनस कर दिया तो हमारा आया 244,000। 244,000 ये हमारा टोटल हुआ 133.33%। ठीक है, अब इसमें से हमें 100% अलग करना है और 33.33% हमें अलग करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए जब 133,000 है तब हमारा टोटल 244,000 है, तो 100 पे कितना, तो हमने ये 100 × 244,000 भाग गया 133.33%, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 183,000। और उसमें से 244,000 में से 183,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 61,000। ठीक है, अब आपको सब मैच कर लेना है, टोटल ये इसका सरवाड़ा आपको करना है और इसका आपको प्लस करना है, इसका भी आपको प्लस करना है और इसका भी आपको प्लस करना है, और सब चेक कर लेना है कि सब आपका आंसर इस इक्वल टू बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आपको देख लेना है। इसके बाद ये खाता हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, ये वाला खाता हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह प्रक्रिया एक में अगर मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जब हमारा असामान्य बगाड़ हो तब हमें नीचे असामान्य बगाड़ का खाता बनाना होता है। तो तब हम यहाँ पर नीचे बना लेते हैं असामान्य बगाड़ का खाता। तो देख लीजिए यहाँ पर ऊपर हमें यहाँ पर असामान्य बगाड़ दिया हुआ है 100 और 5,000, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 100 और 5,000। इसी तरह हमने 100 5,000 यहाँ पर लिखा और इसको यहाँ पर लिख दिया नफा नुकसान। अब हम क्या करते हैं कि हमें उपज कितनी हुई, देख लीजिए ये 100 एकम हमारे है, ये 100 एकम तो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि असामान्य वधराना एकम उन्हें एकम दिन पड़ता 100 रुपया, यहाँ पर हमें 100 रुपये दिए हुए हैं। तो हम एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है बगाड़नी उपज 10 रुपया, ये वाली हमें ध्यान में लेनी है, ये वाली हमें नहीं लेनी। ये बगाड़नी उपज जो है वो कितनी है, 10 एकम की, 100 रुपये की 10 एकम है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, 10 एकम 100 एकम हमारे ये वाले और उसको 10 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,000। अब डिफरेंट हमें कितने का आया, 4,000 का हमारे यहाँ पर डिफरेंट आया। तो हम यहाँ पर लिख दिया नफा नुकसान खाते, ये हमारी खोट हुई। अगर ये साइड हमारा डिफरेंट आता तो हमारा प्रॉफिट होता, लेकिन इधर साइड हमारा नुकसान हुआ। इसी तरह ये वाला सम जो है वो हमें ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये देख लीजिए, ये जो हमारा आखर स्टॉक प्रक्रिया बी खाते हमने जो यहाँ पर लिखा था उसी को हम प्रक्रिया बी में ओपनिंग में ले जाएंगे। तो जो रकम थी उतनी की उतनी हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। और असामान्य बगाड़ हमें यहाँ पर कितना किया हुआ है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि प्रक्रिया सी खाते जो ये हमें एक मिनट दोस्तों, ये जो है असामान्य बगाड़ हमें कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। देख लीजिए ये अब हम प्रक्रिया बी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा असामान्य बगाड़ कितना हुआ है, 8%। ये फर्स्ट तो हमें मिल गया, ये फर्स्ट हमें मिल गया, अब हमें ये वाला ढूंढना है। तो हम ये सामान्य बगाड़ ये हमें मिल गया, इस पे से हमें सामान्य बगाड़ मिल जाएगा 97.50%। उस 97.50 के अगर हम 8% करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा 97.50 के हम 8% करते हैं तो हमारा आएगा 780। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 97780 को हम
150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11700। ठीक है, अब इसी तरह यही है, इसका हमने यहाँ से टोटल किया 5750 और यहाँ पर लिख दिया हमने 5750। अब इसमें से ये 780 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा 8970। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें प्रक्रिया ए हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह ये जो 8970 है इसको आपको 75 से मल्टीप्लाई करना है। 8950 को कैसे करेंगे वो देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर हमें दिया हुआ असामान्य वधारो 60 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो 60 ये असामान्य वधारो 60 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000। ठीक है, इसी तरह ये हमने यहाँ से दोनों को प्लस किया, सिर्फ एकम को, और इससे हमने यहाँ पर इसको प्लस कर लिया तो हमारा ये जो आंसर है वो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा 108133 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हमें क्या करना है, तो हमें ये वही फॉर्मूला अपनाना है जो प्रक्रिया ए प्रक्रिया बी में हमने किया था। अब ये जो टोटल हमारा जो टोटल आया हुआ है उसको, ये वाला जो टोटल हमारा आया हुआ है उसको हम यहाँ से इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी हमें माइनस कर देना है तो हमारा लास्ट में जो आंसर आया 179,400। तो ये रकम पे अगर 133.33 तक आए तो हमें 100 पे कितना मिलेगा, तो ये हमारा आता है 100 हमारा 134,550। इसमें से ये 179,400 में से 134,550 अगर हम माइनस कर देते तो हमारा आएगा 448,050। इसी तरह यह हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, असामान्य वधारो, हर बार हमारा क्या होता था कि असामान्य नुकसान हमारा यहाँ पर होता था, इस बार क्या हुआ है, असामान्य वधारो हुआ है हमारा। तो हम क्या करेंगे, असामान्य वधारानु खातु हम यहाँ पर बनाएंगे, तो यही रकम हम स्टार्टिंग में इधर लाएंगे, अगर कोई रकम ये साइड हो तो उसकी अमाउंट इधर लाएंगे, और अगर ये इधर साइड कोई है तो उसकी अमाउंट हम इधर लाएंगे। तो हम ये वाली रकम हम यहाँ पर ला लेते हैं, प्रक्रिया सी खाते थी जितनी है उतनी अमाउंट हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, और हमने यहाँ पर एक जितनी रकम थी उतनी रकम हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, यही रकम हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें से हमें उपज कितना हुआ है, 60 रुपये हुआ है, और उसमें अगर समझो कि 10 रुपये था, उपज कितने पे था, 10 पे था, तो हमारा 500 था, 10 रुपये 10 एकम पे हमारे 500 रुपये थे, तो 60 एकम पर कितने, तो ये हमारे 3000 आएगा। इसमें से 6000 में से अगर आप 3000 को माइनस कर देते हो तो डिफरेंट हमारा जो आएगा वो 6000 आएगा, ये क्या आएगा, नफ़ा नुकसान खातों। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट साम है ये, बहुत ही काफ़ी बढ़िया इम्पोर्टेंट साम है, मेरे को पता है वहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा। आपको समझ में नहीं आता तो दोस्तों नोट पेन लेकर बैठिए, रकम बाजू में रखिए और मेरी वीडियो देखते जाइए, एक एक रकम को मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप अगर इनपुट करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था आपके लिए, आपने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा पूरा, आपको समझ में अगर फिर भी कुछ नहीं आता तो मुझे कमेंट में करिए, मुझे कमेंट करिए, ढेर सारे कमेंट करिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।